हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन का एक छोटा सा लुक आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। एक ऐसा गार्डन का लुक जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या हाल मेरे गार्डन का हो गया है इन दिनों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ काम चल रहा है, और काम के चलते हुए मैं गार्डन में कुछ खास कर भी नहीं पा रही हूँ, और समय समय से आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक अच्छे ही चल रहे हैं, और देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, और फ्लावरिंग भी इनमें हो रही है। लेकिन अभी हमारे यहाँ लाइट का काम चल रहा है, और प्लम्बर लगे हुए हैं, क्योंकि प्लम्बरिंग का काम भी हो रहा है। तो दोनों के चलते इतना शोर हो रहा है कि मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि इनकी मशीनों में इतना आवाज़ होता है कि अगर कुछ भी वीडियो डाली जाए या बोला जाए तो उसमें सुनाई नहीं देता है। देखने के लिए तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन आवाज़ उसमें नहीं जाएगी। अभी मैं उनके आने से पहले गार्डन में चढ़ी हूँ, और मुझे अपना गार्डन देख करके थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मेरे सभी प्लांट्स ये इसी तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं, और उनकी क्या हालत हो गई है। तो चलिए अपने गार्डन के लगे हुए कुछ प्लांट दिखाती हूँ, और क्या हो गया है उन प्लांट्स को वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने में लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी केलेंचों में फूल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर पुदीना है, पुदीना में देखिए नया अंकुरण हो गया, नई पत्तियाँ आ गई हैं, इनकी ब्रांचेज अब लंबी होने लगी हैं। छोटी सी भी ब्रांच लेकर के कहीं मिट्टी में दबा दी जाए तो बहुत ही अच्छा एक प्लांट रेडी हो जाता है, और मैं इसे और भी आगे लगाऊंगी और वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मेरे गार्डन में एक धतूरे का प्लांट उगा हुआ है, और उसे मैंने इसी तरह से रख छोड़ा है, क्योंकि मैं इसे लगा करके वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ये है धतूरे का वो प्लांट जो कि उगा हुआ है इस केलेंचो की कटिंग में। मैं इसे लगा करके वीडियो आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। अगर केलेंचो के प्लांट के साथ इस धतूरे को रखेंगे तो इसकी भी ग्रोथ नहीं होगी और केलेंचो की भी नहीं होगी। तो मैं इसे जल्दी ही हटा करके और इसे नया पॉट देने वाली हूँ। यहाँ का लुक कुछ इस तरह से है, और चलिए मैं चलती हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पर मैंने कुछ प्लांट रखे हुए हैं और वो किस तरह से इन दिनों दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ प्लांट रखे हुए हैं, और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कौन से प्लांट हमारे कैसे लगे हुए हैं और कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जो काम हो रहा है वो दीवारों में हो रहा है, और दीवार में जब ईंट कटती है तो उसका इतना बारीक पाउडर उड़ता है कि उसमें कुछ भी रहे तो वो गंदा ही हो जाता है, और फिर उनको साफ़ करना पड़ेगा तभी जा कर के वो पहचान में आएंगे। तो इस तरह से देखिए दीवालों को काटना होता है, और यहाँ पर ये कटिंग हुई है, जिसकी वजह से इतना मटेरियल यहाँ पर वेस्ट निकला हुआ है। और ये हमारे यहाँ पर पिटूनिया हैं, और डेंथस हैं, कैलेंडुला है, अपराजिता है, सभी पे इतनी धूल बैठ गई है कि आप इन प्लांट्स को पहचान भी नहीं पाएंगे। ये कोसेंड्रा है, जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, अब इसमें बड भी आना शुरू हो गई है। मैंने फर्टिलाइज़र जल्दी ही इनको दिया हुआ है, लेकिन अभी इनकी हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। तो ये तुलसा जी हैं, ये है पिटूनिया वाइट कलर की, और इसका तो पूरा ही कलर चेंज हो चुका है। इस पर सब लाल लाल ईंट की जो बारीक पाउडर होता है वो सब इस पर फैल चुका है, इसलिए से इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पिटूनिया हैं सब कैसे हो गए हैं। जब ये काम हो कर के निपट जाएगा, यानी कि कटिंग ख़त्म हो जाएगी, दीवार की कटिंग ख़त्म हो जाएगी, तब हम जा कर के इन पर पानी का शावर करेंगे, और जिससे कि प्लांट हमारे धुल करके नीट एंड क्लीन होंगे। इस तरह से यहाँ पर गुलदाउदी खिल रही है, जो कि वाइट कलर की है, और सभी गुलदाउदी हमारी अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं। तो मैं टेरेस पर आई और मैंने अपने इन प्लांट्स को देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन अब कुछ काम तो हो रहा है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही रहता है, इसलिए से मैंने अपना ये गार्डन आप सभी के साथ शेयर किया है। समय ना मिलने की वजह से और शोर शराबा ज़्यादा होने की वजह से मैं समय से वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ,
लेकिन जो भी मेरे गार्डन में चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या ख़राब चल रहा है, वो मैं समय समय से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे भी मैं करती रहूँगी, बस आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगी और जल्द ही ये मेरा पूरा गार्डन जो कि टेरेस पर जाएगा 4th फ्लोर पे, और तब मैं इसका लुक एकदम से चेंज करूँगी। फिर आप देखिएगा कि क्या इनकी ग्रोथ होगी और कैसे ये दिखते हैं। तो यही सब था हमारी आज की इस वीडियो में, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।